हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आप कैसे हैं और कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। स्टूडेंट्स अभी आपका मैथ पीरियड शुरू हो चुका है, अभी आप लोग मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में बच्चों आज पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 18 आवर कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे आप लोग? आवर कैलेंडर पढ़ेंगे, चैप्टर 18 पेज नंबर 66। ओके, आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 66 देखिए, यहाँ दिया हुआ है आवर कैलेंडर। ठीक है, आ वीक, आप लोग वीक नेम आज पढ़ेंगे। हाउ मेनी डेज इन अ वीक? तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग वीकडेज नेम आप लोग याद करेंगे विथ स्पेलिंग। और इसमें आगे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको बनाना है, करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द थर्ड डे ऑफ अ वीक? विच इज द थर्ड डे ऑफ अ वीक? वीक का तीसरा दिन कौन है? थर्ड डे कौन है? ये है थर्ड डे, वेडनेसडे। वहां आप क्या लिखेंगे? वेडनेसडे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच डे कम्स बिफोर संडे? विच डे कम्स बिफोर संडे, यानी कि संडे से पहले कौन से दिन आता है? संडे से पहले यहाँ सैटरडे आता है, तो यहाँ आप लोग सैटरडे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे? विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है? वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है बच्चों? थर्सडे आता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग थर्सडे लिखेंगे। फोर नंबर क्वेश्चन है आपका, विच डे कम्स इन बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे? थर्सडे और सैटरडे के बिटवीन, यानी थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा दिन आता है? तो फ्राइडे आता है बच्चों। क्या आता है, कौन सा डे आता है थर्सडे और सैटरडे के बीच? फ्राइडे आता है, तो आप लोग फोर नंबर में फ्राइडे लिखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, राइट द नेम्स ऑफ द डेज हैविंग मोर देन 7 लेटर्स। राइट द नेम्स ऑफ द डेज हैविंग मोर देन 7 लेटर्स, उस डेज का नाम लिखना है आपको यहाँ, जिसका स्पेलिंग जो है 7 लेटर से अधिक हो, 7 लेटर से ज्यादा हो। तो आप यहाँ देख लेंगे कि 7 लेटर से स्पेलिंग किसका ज्यादा हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से ज्यादा हो रहा है वेडनेसडे का, तो आप लोग एक वेडनेसडे लिखेंगे। और फिर दूसरा आप देख लीजिए कौन है, सैटरडे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है यहाँ, यहाँ भी 7 से अधिक इसका लेटर है, तो आप लोग सैटरडे लिखेंगे। और थर्सडे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 से अधिक है, 7 से अधिक है एक लेटर, तो आप लोग वेडनेसडे लिखेंगे, थर्सडे लिखेंगे और सैटरडे लिखेंगे। तीन डेज आप लोग यहाँ लिखेंगे। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग कंप्लीट करेंगे और अपनी मैथ की कॉपी में इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग सबसे पहले वीक नेम विथ स्पेलिंग याद कीजिएगा, फिर नीचे क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं उसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 18 में यही समाप्त करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ दूसरा पढ़ेंगे, कुछ दूसरा जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।